तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देखें कि स्टॉक मार्केट में पिछले 2-3 दिनों से काफी अच्छी तगड़ी गिरावट चल रही है और बहुत अच्छी खासी गिरावट कर रहे हैं। निफ्टी के स्तर को देखिए तो जो निफ्टी का हेलो। स्तर लगभग 18,600 चला गया था, वो कितना नीचे चला गया और अभी कितना नीचे जाएगा कोई जानता नहीं है। तो इस गिरावट के दौर में हम लोग करें क्या, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। जिससे पूछिए ना, जिसको देखिए वही सोच रहा है कि मार्केट अभी कितना नीचे जाएगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा, और यदि रुकता है तो हमें कहाँ खरीदारी करना चाहिए। ये ढेर सारे प्रश्न लोगों के दिमाग में बन रहा है, तो आज इसी पे चर्चा करते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो गिरावट आ रही है, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग को एक चीज स्वीकार कर लेना है कि स्टॉक मार्केट का जो स्वभाव है ना सर, ये चंचल है, ये कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। तो होता है ना कि किसी खेल के नियम को हम लोग समझ लेते हैं तो खेल का नियम, खेल थोड़ा सा आसान हो जाता है, तकलीफें कम नहीं होती है, लेकिन खेल के नियम आसान हो जाते हैं, खेल हमको आसानी से समझ में आने लगता है। तो स्टॉक मार्केट का जो पहला नियम है ना, पहला नियम यह है कि स्टॉक मार्केट कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, ये हमेशा। हेलो। हेलो, हाँ, तो ये स्टॉक मार्केट हमेशा चलायमान है, हमेशा चलता रहेगा, हमेशा घटता बढ़ता रहेगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि कितना गिर चुका है और अभी कितना गिरेगा कोई नहीं जान सकता है। तो सबसे पहला तो हम लोग को काम ये करना है सर कि स्टॉक मार्केट के को कभी भी प्रेडिक्शन करने की कोशिश नहीं करना है। होता है ना, बहुत सारे लोग आए दिन आप लोग देखते होंगे कि टारगेट क्या होगा, निफ्टी कितना गिरेगा, ये बुल रन चल रहा है कि बियर बियर फेज चल रहा है, तमाम लोग तुरंत के प्रश्न होते हैं। लेकिन एक जो गंभीर निवेशक होता है ना, एक रिटेल जो रियल इन्वेस्टर होता है ना, वो इन सब चिंताओं से बिल्कुल मुक्त होता है। अभी मैं कल ही कल यानी परसों बात हो रही थी एक अमित कुमार सिंह, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और L&T में जॉब करते हैं, और उनका एक कोई साथी है जिसका लगभग आज की डेट में 2.5 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो है, और वो बिल्कुल बता रहे थे कि बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहते हैं। उनसे कहा गया कि आज की डेट में जैसे निफ्टी जो गिरा है ना, तो निफ्टी गिरने के दौरान उनका जो पोर्टफोलियो है लगभग 12 लाख रुपया माइनस हो गया है। तो अब ये पूछ रहे थे कि अरे सर, आपको 12 लाख पोर्टफोलियो निगेटिव हो गया है, कुछ आपको दिक्कत नहीं हो रही? कहें दिक्कत क्या होना है, तो यही मार्केट से लिया है, यही मार्केट जो मैंने कमाया है मार्केट से ही तो कमाया है। और फिर उन्होंने कहा कि यदि नीचे गया है तो फिर ऊपर जाएगा, और एकदम इतने उनके बताने के मुताबिक इतने वो कूल नेचर के, इतने कूल नेचर के हैं कि मैं क्या बताऊं। तो मैंने उनसे यही कहा कि जो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर होता है ना, वो बिल्कुल कूल माइंडेड हो जाता है, वो किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए हमेशा तैयार रहता है, चाहे बढ़े चाहे घटे, वो हमेशा तैयार रहता है। आप जितने भी स्टॉक मार्केट के रियल इन्वेस्टर से आप मिलेंगे, जो वास्तव में गंभीर होकर के काम करता है, आप देखिएगा वो बिल्कुल ह्यूमन होता है, बिल्कुल एक बेहतरीन मानव होता है। उसके साथ कोई भी घटना घटती है, उसके लिए बिल्कुल समान रूप से व्यवहार करता है, क्योंकि इतना वो झेल चुका होता है, इतना झेलता रहता है कि कोई भी खुशी या कोई भी गम उसको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि मार्केट के प्रेडिक्शन के चक्कर में वो नहीं रहता है, बिल्कुल सीधे साधे वो अपना जो इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी होता है उसको वो फॉलो करता रहता है। तो सबसे पहला काम हमको ये करना है सर कि हमको इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी को फॉलो करना है, और कभी भी मार्केट के प्रेडिक्शन पर हमें निर्भर नहीं करना है, हमें मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करना है। जो मार्केट की प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं वो हमेशा दिक्कत रहते हैं। दूसरा चीज कि हमें मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश नहीं करना है। टाइमिंग करने का से आशय होता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अब मार्केट गिर गया, अब मार्केट चढ़ गया, अब हमें खरीदने का लेवल आ गया या अब हमें बेचने का लेवल आ गया, तो ये मार्केट को टाइमिंग करना कहा जाता है। और जो आप देखिए बड़े से बड़े इन्वेस्टर को देखिए, जो भी वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, कोई भी मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश जिसने किया कर नहीं पाया। मार्केट को कभी कोई टाइमिंग कर ही नहीं सकता है, कोई नहीं जानता है। वो वॉरेन बफेट का कहावत है ना कि मार्केट के बारे में एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं जा सकती, नहीं की जा सकती। बिल्कुल एकदम पूर्णतया सत्य है कि कोई भी मार्केट की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
हमारा आपका काम क्या होगा ना कि जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी होगा ना उसको बिल्कुल फॉलो करना है। जो जैसे सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी होती है जिसको कहा जाता है वो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब कि हमें क्या करना है कि एक छोटा सा बजट डिसाइड करना है और उस बजट के अनुसार हमको हमेशा मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो जब हम नियमित रूप से निवेश करते रहते हैं ना सर, तो मार्केट कैसा भी जाए, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों ही दशाओं में हमको आपको लाभ होता है। तो टाइमिंग करने के बजाय हमको आपको अपने जो भी निवेश की आइडियोलॉजी होती है हमको आपको उसको फॉलो करना है। दूसरी चीज होगी, तीसरी चीज सर हम जो हम लोग को जान वो बहुत बेहतरीन जानना है वो ये कि हमें पोर्टफोलियो जो बनाने हैं, हमारे पोर्टफोलियो दो तरह के पोर्टफोलियो होने चाहिए। एक हमारे पोर्टफोलियो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो, एक होना चाहिए ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो। यदि हम इसको दूसरी भाषा में बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो होता है हमें उसको कोर्स पोर्टफोलियो करना चाहिए, और जो ट्रेडिंग वाला पोर्टफोलियो होता है ना उसको हमको आपको सेटेलाइट पोर्टफोलियो करना चाहिए। आप लोग कभी गूगल करिएगा, गूगल में देखिएगा तो वहां पर कोर एंड सेटेलाइट पोर्टफोलियो का एक कंसेप्ट निकल करके आता है, कभी उसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। तो जो बड़े निवेशक होते हैं, जितने भी दिग्गज इन्वेस्टर्स होते हैं, आप उनको यदि आप देखेंगे तो उनका जो कोर पोर्टफोलियो होता है वो बिल्कुल स्टेबल होता है, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करते। जैसे मैं भी बात करूं तो मेरा भी पोर्टफोलियो है, अभी पिछले दिनों मैंने काफी अच्छा खासा अपना शेयर बेच दिया है, दो तीन पहले तो बेचा है, तो मैंने अपने वो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो से बेचा है। जो मेरा कोर पोर्टफोलियो वाला हिस्सा है, जो कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा में कौन कौन सा शेयर है सभी जानते हैं, मैं बार बार उसको कहता हूँ, जैसे दीपक नाइट्राइट है, माइंडट्री है, जुबिलेंट फूड है, टाइटन है, फिर इसी तरह से आपका रिलायंस इंडस्ट्री है, HDFC लाइफ है, ये मेरे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो मैंने कोर पोर्टफोलियो के हिस्से से एक भी शेयर अभी हमने बेचे नहीं, बल्कि इस दिवाली जो मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ था मैंने उसमें और ऐड किए। कौन कौन से ऐड किए हैं, जुबिलेंट इंग्रेडिया ऐड किया है, बोरोसिल नेबुल ऐड किया है, और आपका RPG लाइफ साइंस मैंने ऐड किया है, फिर मैंने ऐड किया है क्लीन साइंस ऐड किया है, क्लीन साइंस जो केमिकल सेक्टर का बहुत ही बेहतरीन कंपनी अभी उभर रही है। इसके बाद मतलब कुल मिलाकर के मेरा जो पोर्टफोलियो में कंपनियों की जो कोर पोर्टफोलियो की मैं बात करूं तो उसमें जो शेयरों की संख्या नंबर ऑफ शेयर्स में बात करूं तो लगभग 17-18 चली गई। और हमारा काम क्या है कि हमारे उस कोर पोर्टफोलियो में से हमको अब आपको हिस्सेदारी बढ़ाते रहना है, हमें उसके बाद उसको बेचने के बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। और जो हमारे ट्रेडिंग आइडियोलॉजी है, जो मेरे टोटल पोर्टफोलियो है उसका 20-25% की हिस्सेदारी या थोड़ा सा और भी ज्यादा होगा, मेरा वो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है जिसमें मैं बता दूं कि महीने दो महीने पर हमेशा उलट फेर करता रहता हूं। और जो मेरा इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो है, जिस ब्रोकर के यहाँ अकाउंट है, उस ब्रोकर में मैंने सर अपना यूजर आईडी पासवर्ड तक मैं अपने पास नहीं रखता। हमें जब पैसे की जरूरत, जब पैसा होता है तब मैं उसको चेक देता हूँ, वो खरीदारी करता है, वो किसी तरह मैं छोड़ देता हूँ। कभी कभार होता है साल दो साल होता है तब कहीं जाकर के मैं उसमें कुछ मतलब ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो वो मेरा कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो हमको आपको सबसे पहले कोर पोर्टफोलियो को देखना है, कोर पोर्टफोलियो को मजबूत करना है। जब मार्केट गिरती है, जैसे अब गिरावट आ रही है, और अभी आप लोग देखिए कि कोरोना के जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिस तरह से मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका से कई देशों ने फ्लाइट बंद कर दी है, और लगातार कई वेरिएंट के बारे में पता चल रहा है, बहुत खतरनाक वेरिएंट है, तो आने वाले समय में ये पक्का है कि स्टॉक मार्केट गिरेगा यदि वो चीजें सही हो गई। और दूसरी चीज सर कि पिछले साल आप देखिए जब यूपी का पंचायत चुनाव हो रहा था, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था, तो मार्च अप्रैल का महीना था, किस तरीके से कोरोना ने भयावह स्थिति लिया था सेकंड फेज में, और फिर से 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा प्रदेश जो है यूपी है, और यकीन मानिए फिर कोरोना की भयावह स्थिति होने जा रही है। तो हमको आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, और हमको आपको बिल्कुल अपनी तैयारी करके रखनी है। तो मार्केट गिर सकती है, और गिर सकती है तो हमें आपको उसका लाभ मिल सकता है। तो जो भी हमारे
अच्छे स्टॉक्स हैं, बेहतरीन स्टॉक्स हैं, जिसके जिस बिजनेस को हम फॉलो करते हैं, जिस बिजनेस को हम ट्रैक करते हैं, उस बिजनेस में हमारी आपकी हिस्सेदारी लेने का समय आएगा। और जितना हम अच्छे से खरीदारी करेंगे और जितने हम लंबे समय तक के लिए होल्ड करेंगे, हमारा रिटर्न उतना ही बढ़िया बढ़ेगा। तो हमें कोशिश करना है कि जो भी अभी मार्केट में गिरावट आ रही है, अपने कोर पोर्टफोलियो को स्ट्रांग करना है। चौथा चीज कि यदि मार्केट में ये गिरावट जारी रहती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि माहौल में पैनिक होकर के घबरा करके पूरा शेयर बेच देते हैं। वो सोचते हैं कि पता नहीं कितना गिरेगा। तो एक चीज हमको आपको नोट करके रखना चाहिए कि मार्केट से कभी भी 100% एग्जिट नहीं होना है। यहां सर पैसा मार्केट में रह के ही बनाया जा सकता है, मार्केट से दूर रह के पैसा कभी नहीं बनेगा, नेवर। जो ये सोचता है वो गलत सोचता है। मार्केट में रह के भी पैसा, इसलिए कभी भी हमको आपको 100% मार्केट से निकलने की कोशिश नहीं करना है। हमको इन्वेस्टेड रहना है। यदि हमको आपको निकलने का मौका मिलता है सर, तो सबसे पहले हमको जो हमारे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो जिसको हम बना के रखे हुए हैं, जिसको सेटेलाइट पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, उस पोर्टफोलियो से हमको आपको निकलने की कोशिश करना चाहिए। और कोशिश यहां तक करना चाहिए कि यदि ये गिरावट लगातार जारी रहता है, जैसा कि अभी निफ्टी जो 50 डे के मूविंग एवरेज के नीचे भी चला गया है, तो हो सकता है कि और नीचे चला जाए। यदि आप उसके ट्रेडिंग व्यू वगैरह पर चार्ट खोलिए, तो आप चार्ट को देखिए, स्पष्ट रूप से लगता है कि मार्केट इसमें डाउन ट्रेंड में चला गया है, कुछ दिन अभी नीचे रह सकता है। और यदि ये नीचे रहना कायम रहता है, तो हमारा काम होगा कि जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो है उसको भी बिल्कुल जीरो कर दिया है। और उस पोर्टफोलियो को जीरो करके सर, तो जो कोर पोर्टफोलियो वाले हिस्सेदारी जिसमें हमने हिस्सेदारी ले रखा बिजनेस में, जैसे आपका L&T हो गया, फिर आपका 19 हो गया, जो अच्छे शेयर है, हमें उस जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पूरा पैसा है, हमको आपको उसमें डाल देना चाहिए। उसमें हम डालेंगे तो सर बिल्कुल बिंदास होकर के जो अच्छे बिजनेस होगा बिल्कुल अच्छे लेवल पर मिलेगा, और जो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जबरदस्त रिटर्न देगा। इसके बाद मार्केट में भी गिरावट जारी रह सकती है, तो हमको एक और काम करना है कि मार्केट को, एक चीज तो हमें कर लेना है कि जो मार्केट आवर होता है ना, हमको कोशिश करना है कि मार्केट आवर में हम मार्केट न देखें। आप बसंत माहेश्वरी का इंटरव्यू है, आप लोग देखिएगा, जी बिजनेस के जो अनिल सिंह जी, उन्होंने लिया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जो ये मार्केट है ना, वो हार्ट है मेरा, जो ऊपर नीचे होता है ना, मेरा पल्स है। कि मंडे को जब मार्केट खुलता है, जैसे लगता है कि मैं अपने किसी परिवार के बच्चे से मिल रहा, कहे तो मैं मार्केट को प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ। लेकिन मार्केट रोज देखने का मतलब यह नहीं होता है हम उसको रोज ट्रेडिंग या कुछ ना कुछ करें। तो हमें मार्केट देखना है, लेकिन हमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो भी हमको करना है, रोज हमको नहीं करना है। हमको एक विशेष अवसर का इंतजार करना है, जबकि जब मौके मिले तब हमको बेहतरीन मौके, जैसे होता ना वो शेर जो होता है शिकार का इंतजार करता है, जब मौके मिलते हैं तभी वो वार करता है। जब तक मौका न मिले वार करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो हमको आपको बिल्कुल उस तरह से भी करना चाहिए। तो जैसे जैसे हम लोग करेंगे सर, मतलब मेरा कहना है कि जो हम अपनी स्ट्रेटजी बना के रखेंगे, तो निश्चित तौर पर ही हमको आपको स्ट्रेटजी में मौका मिलेगा। तो बिल्कुल बिंदास हो करना है, और मार्केट को टाइमिंग नहीं करना है, और जो भी बेहतरीन स्टॉक्स हैं उन पर ध्यान दीजिए। जैसे इस समय आप ध्यान दीजिए कि जो केमिकल सेक्टर है, सारे केमिकल के बिंदास जो अच्छे अच्छे सेक्टर स्टॉक्स हैं सब करेक्ट पे हैं। दीपक नाइट्राइट को देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को देखिए, फिर आपके बहुत सारे SRF को देखिए, आरती इंडस्ट्री को देखिए, ढेर सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि बेहतरीन कंपनियां हैं केमिकल। और केमिकल सेक्टर सर इतना बेहतरीन सेक्टर है, इतना बेहतरीन सेक्टर है कि बहुत ह्यूज वेल्थ क्रिएट करेगा। पिछले कुछ सालों से वे अच्छा वेल्थ क्रिएट किया, और आगे भी वेल्थ क्रिएट करने की पूरी संभावना रखा है। तो जो केमिकल सेक्टर के शेयर से हमको आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे मौके हैं केमिकल सेक्टर में, ढेर सारे मौके हैं। और उस
जैसे क्यों गिरावट आई है, गिरावट आने का पीछे कारण है कि अब आप लोग पढ़े भी होंगे कि क्रूड के कारण, चूंकि केमिकल में क्रूड बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, और क्रूड के कारण क्रूड की कीमत जो बढ़ गई थी उसकी वजह से केमिकल सेक्टर नीचे आ गया है, और फिर क्रूड जो है नीचे आ गया, यानी जो क्रूड अपनी ऊंचाई को छुआ था उस ऊंचाई से लगभग 20-25% क्रूड नीचे आ गया है। तो अब जो यहाँ से केमिकल सेक्टर केमिकल की कंपनियों को जो प्रोडक्शन होगा और फिर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो फिर से केमिकल सेक्टर में तेजी आ सकती है। तो हमको आपको केमिकल सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए, जो स्पेशलिटी केमिकल जो अच्छी केमिकल वाली कंपनियां हैं उन कंपनियों पर ध्यान दीजिए जहां पर ढेर सारे मौके हैं। जैसे आपको दीपक नटराज देखिए लगभग 27-28% नीचे करेक्ट हुआ है, एसआरएफ को देखिए वो भी 15-20% करेक्शन हुआ है, आरती जैसा कंपनी, आरती इतनी बेहतरीन कंपनी केमिकल और फार्मा की क्या बताया जाए, वो भी अच्छी खासी करेक्ट हुई है। तो वहां पर देखिए बहुत ही मौके आएंगे। इसके बाद जो रिन्यूएबल वाली सेक्टर है, जैसे आपका बोरोसिल रिन्यूएबल है, टाटा पावर है, वहां पर देखिए वहां पर भी बहुत मौके हैं, आने वाले समय में बहुत पैसा बनेगा। पैसा बनने वाला सेक्टर आपका ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां हैं उस पर, जैसे कैम्स हो गया, CDSL हो गया, IEX हो गया। आपका एक और शेयर जो बहुत ही अच्छे से करेक्शन पर उपलब्ध है और हो सकता है और भी करेक्शन पर जाए, वो है इंडिया मार्ट इंटरनेट, जो कि B2B सेगमेंट में है। B2B सेगमेंट मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में, तो बहुत ही बेहतरीन हो, वो भी बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो पांच ही लोग तो आए थे, बाकी लोग चले गए, कुछ क्या चर्चा किया जाए अचानक से। मयंक सर, हाय सर, मैं सुन रहा हूँ। एक्चुअली ये केमिकल वाला जो आपने बोला ना, तो मैं कल ही कुछ पढ़ाई कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि ईवी सेक्टर जो है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, उसमें कौन कौन सी केमिकल की कंपनियां डील करती हैं, कौन कौन सी जो बेसिकली, तो उसमें मैंने कुछ वीडियोस देखे, कुछ मैंने ब्लॉग्स पढ़े, तो मैंने जो निकाली थी कंपनियां ये थी आपकी टाटा केमिकल्स है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, हाँ, पॉलीप्लेक्स है, हाँ, देन तत्व चिंतन है, इसका IPO भी आया था, और ये मेरे हिसाब से इसका 2200 या 2300 का कुछ इनका प्राइस था जब ये लॉन्च हुए थे, और अभी ये प्राइस चल रहा है 2508 रुपए का, कल का जो रेट था मैं देख रहा था। तत्व चिंतन मैंने SIP कर रखी है। अच्छा अच्छा, एक तो इसको मैंने सेलेक्ट किया है, देन गुजरात सोरो केमिकल्स है और नियोजन केमिकल्स है। अच्छा, तो बहुत सारे अपनी कंपनियों को, अब टाटा मोटर को छोड़ दिया पीछे क्या? नहीं, तो एक्चुअली मैं ईवी इकोसिस्टम के बारे में पूरा बन रहा था, तो मैंने 5 भाग में इसको डिवाइड किया था। जी, तो ये वो कंपनियां हैं जो केमिकल्स और जो बैटरी जो बनती है लिथियम आयंस की, उसमें यूज होने वाले केमिकल्स के ऊपर है, बाकी देन उसको मैंने दूसरा सेगमेंट लिया था मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। जी, तीसरा सेक्टर लिया था मैंने डिजिटाइजेशन का, जिसमें आपके जैसे KPIT हो गई, क्योंकि KPIT कंपनी मैंने भी विजिट किया है, एक्चुअली मैंने इंटर्नशिप की थी इसमें, तो ये पूरा सिर्फ इनका जो लार्ज सेगमेंट है इनका जो रिवेन्यू का, वो आता है इनका कार के ऑटोमेशन से, फिर टाटा एलेक्सी है इसमें, LNT टेक्नोलॉजी है, तो मैंने ऐसे 20-25 शेयर निकाले थे, तो मैं देख रहा था कौन से इश्यू प्राइस के आसपास हैं, जिसमें अभी ज्यादा स्कोप है, कुछ ज्यादा बढ़े नहीं है, तो उसपे कर रहा था, और जैसे ऑटो कंपोनेंट की कौन कौन सी कंपनियां हैं, देन बैटरी में कौन कौन सी, तो ये टोटल 5 सेक्टर मैंने सेगमेंटेशन की थी, उसके अंदर के शेयर्स निकाले थे 4-5 सब में। और तो आपने बहुत ही बढ़िया से बिल्कुल उसका समीक्षा किया है, हम तो बिल्कुल ऊपर से ही हम एक रफली हम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा उसके अंदर डीप में हम जाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जैसे मैंने ऑटो सेक्टर से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो नंबर 1 तो मेरा टाटा मोटर्स है, नंबर 1 तो मेरा टाटा पावर है, क्योंकि टाटा पावर जो है सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, और केमिकल में तत्व चिंतन है, टाटा केमिकल भी है, तो जो कंपनियों का नाम बताया आपने बहुत बेहतरीन कंपनियां बताया, आने वाले समय में तो मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो
टाटा पावर, हीरो मोटर कॉर्प, टीवीएस, महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स, जिसमें इस समय एक वीडियो भी मैंने देखा था, उसमें करीब बता रहे थे। एक्चुअली मैं हीरो फिनकॉर्प में हूँ, थोड़ा ऑटो सेक्टर में भी डील रहता है, रिसर्च प्रोफाइल है मेरी तो मार्केटिंग रिसर्च में, तो मैं देख रहा था कि 60% जो अगर फोर व्हीलर की बात की जाए जो इंडिया का भी है तो वो टाटा और पूरा ये लोग इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। सेम केस है हीरो मोटर कॉर्प के साथ। हीरो मोटर कॉर्प का क्या है कि ये लोग अभी लॉन्च करेंगे थ्री व्हीलर्स में सेगमेंट में, बजाज को कम्पीट करने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रहेगा। तो इनके जो ऑटो आ रही है उसमें क्या है कि थ्री व्हीलर से टू व्हीलर में कन्वर्ट हो जाती है, वो डिटैच कर सकते हैं। हाँ, तो ये ऑलरेडी इन्होंने अभी इनके 10 साल कंप्लीट हुए थे जब से ये होंडा से बोले, तो इन्होंने वेबिनार किया था यूट्यूब पे, तब उसमें ये यानी कि लॉन्च भी किया था उसमें। तो और इसके अलावा ये लोग इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो इनके डीलर्स है करंट, करीब 3000 प्लस टच पॉइंट्स है इनके पैन इंडिया। तो वहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि वहां से कुछ ईवीस के लाइक चार्जिंग स्टेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो इनका मेन मोटिव है कि चार्जिंग पे खड़ी नहीं करना इनको गाड़ी, इनको आइडियल टाइम 5 सेकंड के लिए चार्जिंग का देना। उसमें ये लोगों ने टाई अप कर रहे हैं गोगोरो कंपनी है ताइवान की, गोगोरो गोगोरो कोई कंपनी पहली बार नाम सुन रहा हूँ। हाँ, तो इसका क्या है कि स्वाइप एंड गो वाली कंपनी है, आप जाइए वहां पे, आपकी गाड़ी से बैटरी निकालिए, जैसे टिफिन होता है ना स्टील का अपना 3-4 बॉक्स वाला, वैसा ही इतनी बड़ी बैटरी होती है, उसको निकालिए, एटीएम होते हैं लगे होते हैं उसमें डालिए, तो आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है इससे। अच्छा। हाँ, तो जैसे ही आप बैटरी डालेंगे तो दूसरी जो 100% चार्ज बैटरीज होती है वो उससे निकल के आएंगी। अच्छा। आप वो डालिए और बस गाड़ी लेके जाइए, आपको प्लग नहीं करना है। हाँ जी, हीरो में एक्चुअली क्या है, हीरो का दो ये लोग बहुत टाइम से इलेक्ट्रिक उसमें है। एक तो इनका खुद की सब्सिडरी है हीरो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि यानी हीरो मोटर कॉर्प की सब्सिडरी है, प्लस एक और कंपनी चल रही है ओला की कंपटीशन में इस समय, टी से नाम है नाम, जो ओला अभी इलेक्ट्रिक को इसको लॉन्च किया। हाँ, नहीं ओला इलेक्ट्रिक तो है और दूसरा है, अरे उसका एड भी आ रहा है बहुत आजकल टीवी, मुझे नाम नहीं एकदम से ध्यान आ रहा है। तो ये उसने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है मार्केट में, मुझे दिखती है, मैं एनसीआर में रहता हूँ यहाँ पे दिल्ली में, तो वो ऑलरेडी मार्केट में है। तो उसमें 35% स्टेक हीरो फिनकॉर्प का या हीरो मोटर कॉर्प का। तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एज ए ब्रांड नेम, हीरो मोटर कॉर्प नहीं आ रहा है डायरेक्टली अभी, बट बैकएंड से इन्होंने पूरा डेवलप करना चालू कर दिया है। तो इससे रिलेटेड मैं थोड़ा वही पढ़ रहा था कि क्या क्या है। नहीं, आपने बिल्कुल अच्छे अच्छे कंपनियों के नाम बता दिए। मेरे पोर्टफोलियो में फिलहाल जो टैंक ब्रेकिंग के पॉइंट नंबर से बात करूं तो सबसे ज्यादा टाटा पावर है मेरे पास, फिर ये जो तत्व चिंता बता रहे हैं वो है मेरे पास, और मेरे पास केपीआईटी है, केपीआईटी तो मेरे पास बहुत पहले से है। दरअसल मेरे जो मयंक जी, मेरा जो ध्यान होता है मुख्य रूप से, मैं एक वो ज्यादा ध्यान देता हूँ कि कौन सी कंपनियां मर्जिंग डिमर्जिंग जो कंपनियां होती है मैं उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ। जो कंपनियां डिमर्ज होने वाली होती है मैं पहले से ध्यान रखता हूँ, जैसे जब केपीआईटी और बिरला सॉफ्टवेयर एक दूसरे के बिजनेस को मर्ज डिमर्ज किए थे, ये तब से मेरी निगाह में है, तब से मेरे बिरला सॉफ्टवेयर तब से मेरे पोर्टफोलियो में है। केपीआईटी मैंने 2-3 बार खरीदा बेचा केपीआईटी। उसी तरह से डिमर्जिंग प्रोसेस वाली जो कंपनियां अन्य रही, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओरिएंट इलेक्ट्रिक मेरी डिमर्जिंग कंपनी में, फिर आपकी बोरोसिल को आज विश्लेषक लोग आज पकड़े हुए हैं, मैं बोरोसिल को 2 साल पहले से होल्ड कर रहा हूँ। बोरोसिल को आपने जब पहली बार ग्रुप में ज्वाइन किया था, एक्चुअली अतुल शुक्ला जी जो है जो मेरे चाचा जी, अरे वाह क्या बात है, तो उन्होंने मुझे इस ग्रुप में डाला था, तो उन्होंने बताया कि अच्छा है आओ, तो डिस्कशन ऐसे होता रहता था।
तो उन्होंने, जब मैं ग्रुप में आया तब आपने बोरोसिल यूनिवर्स के बारे में बताया, फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चालू किया तो इतना, मतलब भगवान माता रानी कृपा से इतना, ये एक जो भी अभी गिरावट आई है इसमें भी पोर्टफोलियो मेरा पॉजिटिव है, कुछ ऐसे शेयर्स निकले मुझे ग्रुप में। तो मैंने वो आपको बताया था जैसे 2030 का मैं लक्ष्य लेके चल रहा हूँ और ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि ये कम से कम 15 साल लग कंपनी एग्जिस्ट करेगी। बहुत जो आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो अप्रोच है ना, सबसे अच्छा अप्रोच यही है। जितने भी दिग्गज इन्वेस्टर को पढ़ी है ना, जैसे वॉरेन बफेट को पढ़ी चाहे पीटर लिंच को पढ़ी है, तो सबका यही है कि भाई वो कंपनी वो बिजनेस जो अगले 15-20 सालों तक मौजूद रह सकता है, जो काम कर सकता है, जो लगातार ग्रो कर सकता है, हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उसी कंपनी का नाम मुझे ध्यान आया, एथर एनर्जी करके जो आजकल बाइक आती है। एथर, अच्छा एथर एनर्जी, एथर ATHER आता तो वो, हाँ उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया है। ओला तो कंप्लीट कर रही है अभी तक। अभी सर देखिए जो डिमर्ज वाली कंपनी में आपका जो जुबिलेंट है और जुबिलेंट फार्मा, हाँ हाँ, ये जो जुबिलेंट लाइफ साइंस उन्होंने अलग करके बनाया है। अभी आप देखिए आने वाले समय में अभी एक और कंपनी में डिमर्जिंग का प्रोसेस चल रहा है, वो पिरामल इंटरप्राइजेज। पिरामल इंटरप्राइजेज का दो सेगमेंट का बिजनेस है, एक है फाइनेंस का सेगमेंट है, एक दवा वगैरह का सेगमेंट है, फार्मा का सेगमेंट। हाँ जी, तो इन दोनों को ये अलग करने जा रहा है, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर होगा ये देखिएगा। और ये देखिएगा अगर फार्मा में जा रहे हैं ना, तो इन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया है लिटिल्स करके, अच्छा पिरामल ने, जो कि पिछले 1.5 साल से है और इतने कम्पिटिटिव प्राइस में बेबी केयर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है मार्केट में। अच्छा, हाँ, और इसने एक्चुअल जो प्रोडक्ट्स हैं आपके पैंपर्स वगैरह जो आते हैं, वाइप्स हैं, ये सब, तो इतना बहुत ही रीजनेबल प्राइस का कंपटीशन दे रहा है इनको, हगीज हो गए, बहुत रीजनेबल प्राइस है। अगर हाँ, और मेरी भी छोटी बच्ची है, मैं भी यूज करता हूँ पिरामल के प्रोडक्ट्स, तो मैंने देखा है कि जो आपके प्रोडक्ट नॉर्मल मार्केट में सपोज एक सिंपल सा लेते हैं, वाइप्स आते हैं, बेबी वाइप्स, वो 180-200 रुपीज का एक पैक देते हैं, बट ये लोग क्या कर रहे हैं 230-232 रुपीज में लाइक 3 का पैक। अच्छा, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्पीड से बढ़ा रहे हैं, और हाँ, तो स्पेशली ऑनलाइन उन्होंने फोकस किया है अभी, मैं पढ़ रहा था एक दिन, तो ऑनलाइन पे इन्होंने जो मार्केट शेयर्स हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों से पाए हैं। नहीं तो बहुत आपने तो अच्छी चीज बताई, और बहुत पिरामल अपने आप में, पिरामल ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, जो अजय पिरामल है अपने आप में बहुत ही दूरदर्शी किस्म के बिजनेसमैन माने जाते हैं, तो ये ग्रुप बहुत बड़ा होगा। और उसी तरह का एक डिवर्जिंग का प्रोसेस उसमें भी चल रहा है, ये आरती इंडस्ट्री जो उनका केमिकल और फार्मा का, उसको भी अलग करने जा रहे हैं, वो भी प्रोसेस में देखिए कब अलग होता है। तो जो डिवर्जिंग वाली कंपनियां हैं, मेरा जो ध्यान होता है उसमें बहुत ज्यादा रहता है, मैं देखता हूँ कि कई बार उसमें काफी अच्छे अच्छे स्टॉक निकल के आते हैं, जैसे अभी एक स्टॉक और निकल करके आया है डिस्माइंड कार्बोजेन, अभी आप लोग कभी ध्यान नहीं दिया होगा डिस्माइंड कार्बोजेन को, अभी छोटी सी कंपनी है, वो भी पहले डिस्माइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, उसको अलग करके इन्होंने डिस्माइंड कार्बोजेन किया है। स्पेलिंग क्या है? DISHMAN डिस्माइंड कार्बोजेन, डिस्माइंड, ओके ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ूंगा इसके बारे में। तो इसके बारे में पढ़िए, अभी बहुत छोटी कंपनी है, मुश्किल से 1,000-1,200 करोड़ की कंपनी है। अच्छा अच्छा, और ये कंपनी अभी भाव जो है 220-225 के आसपास होगा, लेकिन पोटेंशियल वाली कंपनी है, जो मेरी अभी बहुत हल्की फुल्की उसको लेकर के समझ है, लेकिन मेरी समझ के अनुसार बहुत पोटेंशियल वाली कंपनी है। उसी तरह की एक फार्मा कंपनी है जो पोटेंशियल वाली है, वो RPG लाइफ साइंस है, उसके पीछे पोटेंशियल के पीछे मुझे दो कारण से होने जा रहा है। पहला कारण तो ये है कि वो शानदार मैनेजमेंट की कंपनी है, वो आपके आरपी गोयनका ग्रुप की कंपनी है, जो इस ग्रुप की अन्य कंपनियां कौन कौन सी है, आपके सीएट टायर है, KEC इंटरनेशनल है, फिर आपका जेनिथ कंप्यूटर, क्या नाम है उसका, वो है, हाँ, मतलब
जो आरपी गोयनका ग्रुप है अपने देश का बहुत ही सम्मानित ग्रुप है आरपी गोयनका, और जी इन्हीं का बिल्कुल जो भाई वगैरह में आते हैं संजीव गोयनका, जो कि अभी लखनऊ या कानपुर में टीम करती है आईपीएल वाली, हाँ जी तो वो ग्रुप भी बहुत शानदार है। तो मैनेजमेंट बहुत शानदार है, अभी मार्केट कैप पर मुश्किल से 1,000 करोड़ है, और मुझे आश्चर्य है कि लोगों का निगाह क्यों नहीं गया है आरपी आरपी लाइफ साइंस पर, क्योंकि शानदार मैनेजमेंट है, फार्मा कंपनी है, और फार्मा एपीआई भी बनाती है, जो कि क्या कहते हैं उसको, एपीआई वाले बहुत अच्छा कंपनी है, जैसे जो डिम्स लैब वगैरह है, जिसमें जो एक तो खुद की दवा बनाती है, दूसरी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है, कॉन्ट्रैक्ट हाँ दवाएं मतलब थर्ड पार्टी बनाती से हाँ बनवा करके अपने नाम पे ब्रांडिंग करके बेचती है। है। वो जो है एपीआई वाला जो है वो बहुत बड़ा सेगमेंट है अपने देश में, जिसमें आपका आईओएल केमिकल काम करती है, बहुत सारी कंपनियां उसमें काम करती है, उस अगर सेगमेंट देखें तो ये उत्तराखंड और उत्तरांचल की बेल्ट है पूरी, बद्दी में। वो थर्ड पार्ट हाँ पूरी ये जो हिमाचल का मैं बोलूँ तो हाँ ये थर्ड पार्टी पे कॉन्ट्रैक्ट पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा यहाँ से होता है इम्पोर्ट। जी। तो आरपीजी लाइफ साइंस को लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत कम मार्केट कैपिटल पे उपलब्ध है, और मुझे लगता है कि आरपीजी लाइफ साइंस ही आने वाले समय का एक बेहतरीन स्टॉक साबित होगा। तो इस तरह से ढेर सारे अवसर अपॉर्चुनिटी हमारे चारों तरफ, जैसे आपने भी कई कंपनियों के नाम बता दिए, हमने कई कंपनियों के नाम बता दिए, तो हमें क्या करना है कि इन कंपनियों का अपना विश्लेषण करना है, अपना उसमें एनालिसिस करना है कि कौन सी कंपनी के साथ हम रहे, कौन सी कंपनी के साथ हम न रहे, कौन सी कंपनी मेरे लिए सूट करती है, कौन सी कंपनी हमारे लिए सूट नहीं करती है, और अपना चुन करके एक पोर्टफोलियो बनाए 15-20 स्टॉक का, और उसमें हम लगातार इन्वेस्टमेंट करें, लगातार इन्वेस्टमेंट करें जी बगैर बिल्कुल उसके। जी एक्चुअली हाँ बोलिए। नहीं आप बोलिए बोलिए मैं कह रहा हूँ बगैर उसके लालच भय के हम लगातार इन्वेस्टमेंट करें, हमारा जो पहला फोकस होना चाहिए, हमें अपनी होल्डिंग बढ़ाने पर होना चाहिए, अपने ग्रुप के जो रहमान जी हैं आप देखिए कितने अच्छे हैं, केवल खरीदारी करने पर ध्यान रखते हैं, जबरदस्त तरीके बिल्कुल से अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। हाँ मैं कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले एक बार हमसे पूछते हैं, वो खरीदना शुरू करते हैं, और सबसे बड़ी चीज उनके खरीदने की क्या है कि वो स्टेप वाइज खरीदारी करते हैं, वो नहीं कि एक बार में 25,000 रुपया चाहे 50,000 रुपया इकट्ठा हुआ जाके एक स्टॉक ले लिया, नहीं, वो नहीं नहीं स्टेप नहीं वाइज करके आते हैं। कैम्स को लेना शुरू किया तो पहले 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, तो ये जो पिरामिड स्टाइल में जो खरीदारी करते हैं वो उनकी वैल्यू को और बढ़ाता है। नहीं आप सही बोल रहे हैं एकदम सही। मैंने एक्चुअली इन्वेस्टिंग से सही बताऊं, मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में नई ट्रेडिंग में आया। हाँ इसके पहले ये था कि मेरा मैंने कुछ चीज़ जो गवर्नमेंट फंड है इन सब में एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करता था, जी तो मैंने लास्ट ईयर से चालू किया है हाँ और धीमे धीमे मैं भी एक साथ नहीं लेता हूँ। तो मैंने क्या किया कि वो जो फंड चल रहे हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा मैंने सोच के रखा कि मेरा सपोज 100 रुपीज है तो उसमें से मैं 20 रुपये अपनी SIP में इन्वेस्ट करूंगा और 20 रुपये अपनी ट्रेडिंग में जाऊंगा और बाकी का जो 60% है हाँ वो मैं ऐसे फंड खरीदूंगा जो एग्जिस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जैसा मैंने आपको बताया। तो मैंने हाँ अभी इस हिसाब से तीन उसमें डिवाइड किया है और हाँ बाकी जो मेरी जो चल रही है पुरानी वो तो मैं इन्वेस्टिंग उस तरीके से कर रहा हूँ। कुछ ऐसा मैंने बना करके थोड़ा रिसर्च करता हूँ और ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे शेयर्स पता चलते हैं मुझे। बहुत अच्छा मैं करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, और आप इस थोड़ा थोड़ा करके ही, जी जैसे अगर मुझे कुछ लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 शेयर, मैं एक दिन में सारे शेयर एक ही कंपनी के नहीं खरीदता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि एक शेयर जैसे मैंने उठाया, अब जो महंगे शेयर होते हैं 2,000 का है, 800 का है, 1,000 के, तो एक दो करके ऐसे ऐसे करके करता हूँ। एक चीज मैं जी मैं कहूंगा कि जो एक जब हम नए नए लोग मार्केट में आते हैं ना, तो हम मार्क स्टॉक के प्राइस को देखते हैं, कीमत को देखते हैं, हमें प्राइस को नहीं देखना, हमको मार्केट कैपिटल पे ध्यान देना है। जैसे फॉर जी एग्जांपल के बिल्कुल तौर पर हम मैं बात करूंगा, मैं जोमेटो के बारे में 2-3 बार मैंने लिखा है ग्रुप में, आपने भी पढ़ा होगा, जोमेटो जो है लिस्टिंग जिस दिन होती है उसी दिन 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल हो गया उसका, भाव तो उसका 150 दिख रहा है, बहुत सारे लोग को लगता है अभी 150 रुपये का शेयर है, 1,000 रुपये, लेकिन अब ये सोचिए कि यदि जोमेटो का शेयर 150 से 1,000 हुआ, यानी यहां से लगभग 6 गुना,
मार्केट कैपिटल जो 1.25 लाख करोड़ का, सीधे सीधे 7 लाख 8 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल हो जाएगा। और आप सोचिए कि आज की डेट में एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटल लगभग 7 लाख 8 लाख करोड़ के आसपास है। तो क्या लगता है कि क्या जोमेटो जो है अचानक से इतनी बड़ी हो जाएगी कि एचडीएफसी बैंक को पीछे कर देगी? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसी तरह से आप नायका को देखिए, लिस्टिंग हुआ 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल और प्रॉफिट 1 करोड़ पता नहीं कितने का है। क्या वो मतलब न्यायसंगत है? क्या वो जस्टिफाई करता है वो इसकी जो वैल्यूएशन? मैं ये पढ़ रहा था, कुछ आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े थे नायका के बारे में। टाटा स्टील का जितना है जो भी उनका और नायका का सेम लेवल पे, बट अगर स्टॉक का प्राइस देखें तो सेम 50% ऑफ। मतलब स्टील का 1000 कुछ रुपए चल रहा है तो इनका 2000 रुपए। तो ये जस्टिफाई नहीं करता है कि ये एकदम से क्या फ्यूचर होगा इनका, क्योंकि ये एकदम अभी बढ़े तो हैं। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स देखे हैं कि जो शुरुआत के कुछ सालों में ठीक है बढ़े हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा गिरे हैं कि वो कभी उठे ही नहीं है। तो हमको मतलब हम लोग को वहां भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, मौके क्या होते हैं, सही मौके क्या होते हैं, दोनों को हमको आपको देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के अच्छे हम स्टॉक ले पाते हैं। मैंने ये भी देखा है आईपीओ की स्ट्रेटजी ऐसी लगाई, मैं आईपीओस में भी लगाता हूँ थोड़ा थोड़ा करके एक दो कर, लेकिन वो बहुत ही कम मिलते हैं। ऐसे मुझे एक एमटार टेक्नोलॉजी मिला था, एमटार एमटीएआर, तो वो कंपनी बहुत ही अच्छी थी। मतलब अच्छी है क्योंकि उसका बहुत ही निश मार्केट है। आप देखेंगे अगर आपने अगर पढ़ा हो उसके बारे में तो उसका आईपीओ भी आया था। स्पेस टेक्नोलॉजी कुछ काम करती है ना? हाँ जी, और ये इकलौती इंडिया कंपनी है, कोई पूरी फुल मोनोपोली है इसकी। और ये लॉन्च प्राइस था इनका 500 कुछ रुपए का, 525। और जब लॉन्च हुआ था तो ये 1100 रुपए में था, लेकिन उसमें मैंने निकाल दिए थे, कुछ ऐसी आवश्यकता थी मुझे। तो लेकिन आज देखेंगे वही रेट चल रहा है उसका 2000+। तो ये ऐसी कंपनी है जो बहुत आगे तक जा सकती है, और ये सिर्फ इसरो के लिए नहीं काम करती, जितनी स्पेस नासा के लिए भी काम करती है। बहुत ही निश, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जीरो जो इनका क्वालिटी एश्योरेंस होता है, जीरो रिस्क के ऊपर होता है कि एक छोटी सी गलती भी नहीं करता। तो ये कंपनी वही उस समय निकल के आई थी, लेकिन इसमें नहीं कर पाया। जो कंपनियों में जो कंपनियां मोनोपोली किस्म की कंपनियां है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट हमेशा फायदेमंद रहता है इनको, उनके क्योंकि उनके पास प्राइसिंग पावर होती है। अब जैसे मोनोपोली कंपनियों में आप बात की जाए, जैसे मैंने आपका नाम लिया था, वो मोनोपोली कंपनी है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट ही मोनोपोली कंपनी बिजनेस सेगमेंट में। यदि आपको मान चलता है कि बल्क में या बल्क में चलिए रोटी बनाने वाली मशीन चाहिए, या आपको बल्क में शर्ट पैंट बनवाना है, किसी डीलर से सामान लेना है, कुछ भी लेना हो, क्योंकि मैं सर्विस यूज करता हूं कई बार वेंडर, सब वहां पर है। वो जो है अपने सेगमेंट में 60-70% मार्केट कवर करती है। उसी तरह का आपका ये कैम्स का है, ये भी बिल्कुल मोनोपोली वाला है। मोनोपोली वाले में और ढेर सारे सेगमेंट स्टॉक मोनोपोली वाले में है, जैसे आपने एमटार का ही नाम लिया। आपको पारस डिफेंस को भी देखिए, बहुत बेहतरीन कंपनी है पारस डिफेंस जी। मोनोपोली कंपनियों में आपके पीडीलाइट को देख लीजिए, बिल्कुल मोनोपोली है उसका। तो मोनोपोली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा फायदेमंद रहता है, और किसी भी स्तर पर निवेश करिए जबरदस्त रिटर्न प्राप्त होता है। तो आपने एमटार के बारे में अच्छे से बताया, एमटार के बारे में मैंने एक दो बार ध्यान दिया था, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। और फिर इतने सारे स्टॉक्स होते हैं कि किसको किसको आप लेंगे, सवाल तो यह है। वही बात है, मैंने भी अपने स्टॉक्स को धीरे धीरे कम करके, मैंने सोचा है कि 15-20 स्टॉक पे फोकस कर रहा हूँ इस समय। और मतलब इस समय अगर मैंने स्टार्टिंग में थे तो मेरे पास जब चालू किया नया नया तो करीब मैंने बढ़ा लिया 30-25-30 हो गए मेरे पास। तो मैंने उनको धीरे धीरे कम करके जो लॉन्ग टर्म का भी मैंने देखा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही करना चाहिए जैसा पता चला आपने भी गाइड किया। तो मैं अब धीरे धीरे फोकस कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म भी करूंगा। और इनको स्टॉक को मैंने कम करके 10-12 स्टॉक्स कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। दिया एक मैं एक जगह पढ़ रहा था कहीं पर, उन्होंने जो स्ट्रेटजी बताई थी कि मिनिमम 5 स्टॉक लीजिए और 1 लाख पर 1 स्टॉक रखिए। जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए तक का 5 स्टॉक रखते हैं,
फिर 6 लाख रुपए में, 6 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है तो 6 शेयर रखिए, 10 लाख का है तो 10 शेयर रखिए, 20 लाख का मालिक पोर्टफोलियो है तो आप ज्यादातर 15 स्टॉक रखिए, और 15 स्टॉक रखने के बाद अपने पोर्टफोलियो में अब कोई स्टॉक मत बढ़ाए। आपको यदि पैसा हो तो उन्हीं 15 में से बढ़ाए। आप देखिए जो भी मतलब ह्यूज वेल्थ क्रिएट करता है वो 8 ही 10 उनके स्टॉक वेल्थ क्रिएट करते हैं। आप राकेश झुनझुनवाला को देखिए तो अकेले आपका जो टाइटन ही पूरा कवर कर ले जाता है जी। तो जब तक नहीं, ये सही बात है। तो बिल्कुल पोर्टफोलियो भी कम, वो कम से कम स्टॉक हो तो अब मान चला कि हम 2,000-4,000 रुपए लगा करके 100 शेयर ले रखे हैं तो कितना बढ़ेगा। अब जैसे हम लोग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे लोगों से हम बातचीत करते हैं तो जो एक स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे ये स्टॉक हमारा 4 गुना 5 गुना हो गया, लेकिन मान चलते हम पोजिशन कितना रखे हुए हैं, छोटा सा हिस्सा रखे हुए हैं। मान चलते हैं कि हमने 10,000 रुपये लगा रखा है, अब 10,000 रुपये यदि आपको वो शेयर मालूम चलता है कि 4 गुना हुआ तो कितना बढ़ा, 40,000 रुपये तो हुआ, और हमने एक जगह लगा रखा है 1 लाख रुपया और वो बढ़ के डबल हो गया तो हमको 2 लाख रुपये मिला तो वो ज्यादा फायदेमंद है कि ये ज्यादा फायदेमंद है। तो जब हमारी हिस्सेदारी अधिक होती है तो हमारे रिवार्ड भी तो उसी के हिसाब से मिलते हैं जी। बिल्कुल, हमको आपको पोर्टफोलियो में हिस्सेदारी का भी बहुत महत्व रखता है। ये संदीप सर कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप बैठे रहे। संदीप सर जी, हाँ जी सर, मैं आपकी लोगों की बातें सुन रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें। मेरे को एक्चुअली इतना डीप नॉलेज नहीं है जितना आप बता रहे हो सर, क्योंकि काफी कम समय हुआ है मेरे को, और उसी में मैं भी ये देख रहा था। मेरा फोकस अब आईटी सेक्टर में थोड़ा ज्यादा है सर। जी जी जी, कौन कौन से? जैसे टाटा एलेक्सी हो गया, कॉनफो करके हो गया, एक माइंड ट्री का है सर। जी जी जी, और दीपक नाइट्रेट भी ले रहा हूँ, काफी पीक पे था तब से लेना स्टार्ट किया था, अभी तो काफी डाउनफॉल हो गया सर। जी 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 जी, और अभी भी काफी नेगेटिव पोर्टफोलियो, ओवरऑल मेरा नेगेटिव में है अभी। नेगेटिव की नेगेटिव में है सर मेरा अभी पोर्टफोलियो। अपने बारे में सर बताइए कुछ संदीप जी। मैं एक्चुअली डिफेंस सर्विसेज में हूँ सर। अच्छा, वाह क्या बात है। हाँ, बिलोंग करता हूँ हरियाणा से, प्रेजेंटली भोपाल में हूँ। जी जी जी, चलो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कब से स्टॉक मार्केट में कैसे आना हुआ सर आपको, आपका? ये सर मेरा एक फ्रेंड था डिफेंस में ही, नवीन है जो अभी दिल्ली में ही है। उन्होंने एक्चुअली मेरे को लॉकडाउन में वो मेरे को मिला, काफी को फोर्स किया, भाई खोल लो ट्रेडिंग अकाउंट, खोल लो खोल लो, मगर यार छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। एट लास्ट उनके फोर्स करने पे मैंने SIP स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। फिर उसने काफी अपने बेनिफिट बताए, उसने ये बताया कैसे क्या होता है, उसने अपना पोर्टफोलियो दिखाया मिलने के बाद, और इसका फंडामेंटल्स कंपनी के बारे में कुछ बताना स्टार्ट किया उन्होंने। तो एट लास्ट फिर मैंने अभी इस साल अकाउंट खोला है सर। वो कम से कम 1 से 1.5 साल मेरे पीछे रहा, उसके बावजूद मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है सर। विद हार्डली 4-5 महीने टाइप ही हुए होंगे मेरे को, इतना पूरा टाइम भी नहीं हुआ। तो अभी धीरे 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 करके, जैसे आप लोगों ग्रुप में डिस्कशन होता है काफी कुछ, उसमें मैं रिसर्च करता हूँ, अपना भी कुछ देखता हूँ, तो ग्रुप में तो बहुत ज्यादा कंपनियों का नाम लिया जाता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन उस उनमें से सिलेक्ट करना सबसे बड़ी बात है सर, कुछ उसमें से अपना कुछ करके। तो मेरा तो अच्छा रहा, जो नवीन का थैंक्स कहूंगा मैं, जो मेरा इसमें एंट्री करवा दिया, कुछ बेनिफिट मिल रहा है अभी मेरे को। सर एक चीज जान लीजिएगा, स्टॉक मार्केट में मेरा एक अपना कथन है, स्टॉक मार्केट में भी हम नहीं आते हैं तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हम बड़े बहुत ही बड़े प्रॉफिट से हम बचे। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही होती है जिसको हम देख नहीं रहे होते, जिसका हम लाभ नहीं रहे होते हैं। एक मैं कहानी कहना चाहूंगा, थोड़ा सा कहानी पर गौर करिएगा शुक्ला जी। बहुत ही एक नॉर्मल कहानी है, कभी आप लोगों से सुना भी होगा, मोटिवेशनल कहानी की। एक आदमी का सपना रहा ना कि वो क्रूज पर जाए, तो क्या किया था कि भाई उसके पास पैसा उतना नहीं था कि क्रूज पर जा सके। खैर किसी तरीके से उसने पैसे की व्यवस्था किया और क्रूज पर गया। जो भी एक हफ्ते का उसने टूर का टूर पैकेज किया, और घूमना घूमा फिरा, जितना सेल्फी उल्फी लेना था सब वो लिया,
और जब टूर जब समाप्त हुआ, जब वापस चलने लगा, तो क्रूज वालों ने उनसे पूछा कि भाई आप थे कहाँ, 7 दिनों तक आपका टूर रहा, न तो आप लंच में दिखे, न डिनर में दिखे, न पार्टी में दिखे, कहीं कुछ दिखे ही नहीं, कहाँ रहते थे आप? कहा देखो भाई, हम किसी तरीके से क्रूज का किराया की व्यवस्था किए थे, मेरे पास पैसा ज्यादा नहीं था, खाने पीने के पास पैसा नहीं था कि तुम्हारे महंगे महंगे में पैसा पे करूं रेस्टोरेंट वगैरह का, तो मैं घर से खाना लेकर के आया था। तो क्रूज वालों ने कहा कि क्या आप तो घर वाल क्रूज वालों ने कहा कि क्या आपको यह नहीं पता था कि आपने जो किराया पे किया है उस किराए में आपके खाने पीने का भी व्यवस्था था? तो उस सॉरी, ये मैंने क्या गलती कर दिया। तो हमारे आपके सामने सारे सर ऐसी बहुत सारे मतलब होता है चीजें जिसका हम भ्रम और भ्रांति का हम लाभ नहीं ले पाते। और अब ये क्या सही बोल रहे हैं सर, मेरे साथ एक ऐसी घटना हो चुकी है। ये जो स्टॉक मार्केट है ना सर, इस स्टॉक मार्केट को लेकर के यूपी में, बिहार में, यदि जो विशेषकर जो हिंदी पूरा बेल्ट है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, ये सबके सब राज्य की बात कर रहा हूँ, ये हमारे मन में इतनी भ्रांतियां हैं, इतने भ्रम है, इतने वो फैला हुआ है कि हम लोग स्टॉक मार्केट को कभी देखते ही नहीं। जीवन भर सर हम लोग पैसे के अभाव में रह जाते हैं, जीवन भर हम पैसे के लिए काम करते रह जाते हैं, कभी हम पैसे के समझने की कोशिश ही नहीं करते कि पैसा काम कैसे करता है, ये पैसे की अच्छाई क्या होती है, पैसे की बुराई क्या होती है, हम किस तरीके से काम करें तो हम पैसे को अच्छे से मैनेज करें, हमको आपको कुछ मतलब पता ही नहीं है। हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, हमको आपको बिल्कुल वो कर दिया गया कि स्टॉक मार्केट जो जुआ है, बुराई का जड़ है, और नहीं तो क्या समझाया जाता है कि पैसा हाथों का मैल है, और नहीं समझाया जाता है कि जो अमीर व्यक्ति होता है वो गरीबों को सता करके पैसा कमाता है। पता नहीं क्या क्या हमारे मन में भ्रांति फैला करके हमको आपको एक पैसे कमाने के बड़े अवसर से वंचित कर दिया जाता है। आप लोग इससे सहमत है कि नहीं सहमत है? मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि भाई हमारे आसपास जितने लोग होते हैं सबके साथ। और मैंने एक घटना बताऊं आपको। हाँ? नहीं, आपने जैसे एग्जांपल दिया ना। हाँ? तो मैं उस समय आज से करीब 12 साल पहले मैंने कंपनी ज्वाइन की। तो पहली बार मैं एरोप्लेन पे गया, मतलब फ्लाइट की टिकट। तो एक बहुत अच्छा मिला, अरे कंपनी भेज रही है मुझे, हैदराबाद जाना था मुझे अहमदाबाद से। तो जेट एयरवेज चलती थी। तो उसमें उन्होंने ऑफर किया खाना। तो मैंने कहा कि इसका एक्स्ट्रा प्राइस लगेगा। उस समय नई नई जॉब थी, उतना ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते। मैंने कहा ये फालतू का खाना देने से अच्छा उतर के खाएंगे पिएंगे। तो मना कर दिया, लेकिन बाद मैंने मना कर दिया। वो इंसिस्ट कर रही थी सर ले लीजिए, वेज लेंगे, नॉन वेज लेंगे। मैंने कहा नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद जब मैं बाद में मुझे पहुंचा तो मेरी कंपनी ट्रेवल जो एजेंट्स थे उन्होंने एक्सपीरियंस के लिए फीडबैक के लिए फोन किया कि कैसा रहा था आपका ट्रेवल डेस्टिनेशन हमारी। एक्चुअली जैसे की कंपनी थी एरो इंजन थी, तो उसमें था मैं। मैंने कहा कि अच्छा था, तो सर और खाने का कैसा था एक्सपीरियंस? खाना तो नहीं, वो सर वो जो टिकट होता है ना उसमें खाना इंक्लूड होता है। मैंने कहा ओ। तो ये एक तो मतलब आपने जो सही बात थी, तो मैंने वो तुरंत वो स्टोरी मेरे दिमाग में घूम गई। तो मतलब उस समय नहीं था नॉलेज, लेकिन तो मैंने उससे डिसाइड किया कि मैं कुछ भी लूं या ना लूं, लेकिन पूछूंगा जरूर कि भाई ये कितने का है, इसमें क्या मिलेगा। पूछने में क्या जाता है, वो टैगलाइन किसका टैगलाइन है, किसी आता है, ऐड आता है, गूगल पे ही आता है क्या? नहीं नहीं सर, टाटा स्काई का था। इसको कुछ लाइक हाँ पूछ डाला तो जींगा डाला, एक उसका कैंपेन चला था बीच में, एक लगा डालना भी था और पूछ डाला भी। ये सर जीवन की हकीकत है सर। हमारे आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी ऐसे ही पड़ी रहती है, छोड़ देते हैं, देखते ही नहीं। जिसमें सबसे ज्यादा खराब है जो हिंदी बेल्ट के लोग होते हैं, एक तो हमारी शिक्षा दीक्षा ऐसी होती है कि हमको आपको बाबू तैयार किया जाता है, जानते हैं कि हमको आपको ब्यूरोक्रेट बनाया जाता है, पढ़ लिखोगे तो इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, ये करोगे वो करोगे,
शुरू से ही डाला जाता है कि पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। और हमारे समाज में बिजनेसमैन को या पैसे वाले को उतना सम्मान नहीं दिया जाता है जितना एक पुलिस वाले को, एक सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर को जाता है। भाई प्रोफेसर, मैं पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हूँ, पुलिस का मैं पुलिस की नौकरी करता हूँ, लेकिन मैं अपनी पहचान जो है बिल्कुल अलग बनाने को लगा हुआ हूँ और काफी हद तक मैंने उसमें सफलता भी मैंने प्राप्त किया है। जो हमको नहीं जानता है मैं उसको बताता भी नहीं कि मैं पुलिस वाला हूँ, किसी को पहली बार मिलता हूँ मैं बताता भी नहीं हूँ पुलिस वाला। कोई हमको जानता है अलग ही बन जाती है सर, सॉरी एक इमेज अलग ही बनी हुई है ना पुलिस के रिगार्डिंग में, उसका भी फर्क है सर। स्टॉक मार्केट सर एक बहुत बेहतरीन मौका है, बहुत बेहतरीन अवसर है, हम सभी को मिलकर के काम करना चाहिए। बहुत पैसा है, ह्यूज पैसा है, बहुत ही पैसा है। एक और मैं छोटी सी एक और कहानी में बताऊंगा, ये कहानी सच है कि झूठ है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने इसको कहीं किताबों में पढ़ा कि अल्फ्रेड नोबल को हम लोग सभी जानते हैं। कि स्वीडन में एक बार ऐसे ही अफवाह फैली कि अल्फ्रेड नोबल की डेथ हो गई। दूसरे दिन न्यूज निकला कि मौत का सौदागर मर गया, क्योंकि तो उन्होंने आविष्कार किया था किसका, डायनामाइट का। अल्फ्रेड नोबल पढ़ा तो कहा, अरे क्या मुझे दुनिया जो है मौत के सौदागर नाम से जानेगी। फिर अल्फ्रेड नोबल ने सर नोबल पुरस्कार की स्थापना किया। आज के डेट में पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा आपको नोबल पुरस्कार मिलता है, सबसे ज्यादा मान सम्मान आपको नोबल पुरस्कार मिलता है, और हर कोई जानते हो नोबल पुरस्कार में ज्यादा पता नहीं जानते। और आपको पता है सर कि ये जो नोबल पुरस्कार की फंड है, फंड कहाँ से आता है? जैसे अपने यहाँ अपने देश में जो अवार्ड मिलता है भारत सरकार देती है, क्या पता है वो पैसा कहाँ से आता है? क्या लगता है कि स्वीडन के सरकारी कोष से आता होगा पैसा, कुछ जानकारी है सर आप लोगों को? नहीं सर, इसका नॉलेज नहीं है मेरे हिसाब से। जो मैं सोच पा रहा हूँ, मे बी डिफेंस वगैरह उससे आता होगा। नहीं सर, यूएनओ से आता होगा सर। नहीं नहीं नहीं, ये जो पैसा आता है सर अल्फ्रेड नोबल के फंड से आता है। वो इतना पैसा कमा के रख के छोड़ा हुआ है कि उसके ब्याज से सर पैसा दिया जाता है। आप सोचिए कि आज के डेट में आप 1,00,000 रुपया लगा करके किसी तो 4-5 स्टॉक में लगा के छोड़ दीजिए, आप एक नियम बना दीजिए, नियम या बना के रख दीजिए कि भाई हमारा जो पैसा होगा भारत की टॉप 10 कंपनियों में रखा रहेगा, लगेगा, उसका कोई वो नहीं होगा। साल में एक बार या दो बार समीक्षा किया जाएगा, जो टॉप 10 कंपनी में नई शामिल होगी उसको लिया जाएगा, जो पुराना होगा उसको शामिल कर देगा, यानी मेरा जो पैसा होगा टॉप 10 रहेगा पैसा। ये पैसा सर आसानी से आपको 20-25% के दर से बढ़ता रहेगा, आप लोग इसको जानते ही होंगे। और जानते हैं सर इस 1,00,000 रुपये की 50 साल बाद कितनी वैल्यू होती है? 700 करोड़ से ऊपर की वैल्यू होती है। 700 करोड़ की बात मैं कर रहा हूँ, तभी आप लोग एक्सेल करके देखिएगा माइंड सर। जी सर, आपको क्या लगता है कि 700 करोड़ हो जाएगा आपके नाम से, हमारे नाम से, तो क्या लगता है कि नोबल पुरस्कार की स्थापना नहीं हो जाएगी क्या? बिल्कुल हमारे आपके साथ क्या है ना सर, जो हम लोग जिस मध्यम वर्गीय परिवार में होते, मैंने बार बार कहा हिंदी बेल्ट और यूपी बिहार और जो राजस्थान वगैरह का, कि हम लोग क्या होता है कि जो भी होता है ना हम जीवन काल में ही काट लेना चाहते। बहुत सारे लोग सिर्फ टर्म प्लान इसलिए नहीं कराते हैं, आपके आसपास होंगे, कि क्या कराना जो पैसा मरने के बाद ही मिलेगा। वो जो धारणा डेवलप हो गई है उत्तर भारतीयों में, वो धारणा बहुत खराब है। जब वो आएगा तब देख लिया जाएगा, इतना तो पैसा रख के ही गए। एक वॉरेन बफेट का एक और बहुत बढ़िया कोटेशन है कि आप इस जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं वो इसलिए बैठे हुए हैं कि किसी ने आज से सालों पहले पेड़ लगाया था। मालूम चलता है कि हमें जो हमको जैसा मिला, जैसे हम हमारे माँ बाप ने हमको दिया, उसको तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे उसे हम अवश्य बदल सकते हैं। और उसका एक छोटा सा जगह स्टॉक मार्केट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हम बातचीत किए हैं फायदेमंद रहा और आप लोगों को अच्छी खासी वो मिला, एक दूसरे को जानने समझने का मौका। ठीक है सर,
अच्छा लगा बातचीत करके आज, बहुत अच्छा लगा सर, हमें तो काफी कुछ और नया चीज सीखने का मिला है सर। एक्चुअली कई बार टाइम टाइम नहीं होता है, आपकी मीटिंग का मैसेज लेट देखते हैं तो अटेंड नहीं हो पाती कई बार, फिर बाद में दरअसल वो अचानक से हमारा कोई पहले से प्लानिंग नहीं रहता। मैं संडे को अक्सर 9:30-10 बजे करता हूँ दिन में, लेकिन आज थोड़ी दिन में व्यस्तता रही तो नहीं कर पाया। तो रात को सोचा करने की प्लान बना, एक लोग से बातचीत हुई, उन्होंने कहा चलिए करते हैं, और उनका लग ही नहीं पाया नेटवर्क इश्यू के चलते, तो हम तीनों लोग आपस में चर्चा कर लिए, बहुत अच्छी चर्चा रही। मैं तो जी, मैं तो बस अभी एक जगह फंक्शन से आया, मैंने देखा अरे मीटिंग हो रही है, मैंने कहा ये सबसे सही टाइम। बिल्कुल सही बात है, मैं तो बस अभी बेड पे जा रहा था सोने के लिए, फिर मैंने चला कुछ अटेंड करते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। चलिए, और बाद में बहुत सब कुछ सीखा जाएगा ऐसे ही, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद, फिर बातें होगी, ठीक है सर, धन्यवाद, ओके सर, शुभ रात्रि सर।